नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा जिसके करने के बाद अगर किसी मेरे दोस्त के साथ दाद खाज खुजली की समस्या बहुत ही पुरानी है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, अगर आप ट्यूब लगाते हो तो वो समस्या ठीक हो जाती है लेकिन दोबारा से ये समस्या आ जाती है, तो ऐसे में जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप रेगुलर कुछ दिन इस नुस्खे को करोगे, आपकी दाद खाज खुजली की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और ये 100% नेचुरल है और सेफ है। आपको सबसे पहले बताता हूँ ये समस्या क्यों आती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आप बाहर का खाना खाते हो, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आप साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, तीसरा सबसे बड़ा कारण है जहाँ पर आप सोते हो, बैठते हो, उठते हो वो जगह बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं है। तो ये है सबसे बड़ा कारण। और दोस्तों इसके बाद आती है बात आखिरी कारण की। आखिरी कारण ये है आपके खून के अंदर अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिस कारण से ये समस्या आती है। जहाँ जहाँ पर खून रुकता है वहाँ वहाँ पर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। दोस्तों आप देखते होंगे जो आपके पिंपल हैं उनके अंदर मवाद भर जाती है, वो ऐसा क्यों होता है? आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है शरीर अगर किसी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता तो स्किन के थ्रू उस सारी गंदगी को शरीर से बाहर निकालता है। जो पिंपल होता है उसके अंदर जो मवाद है वो मवाद आपके शरीर के अंदर की गंदगी है जिसे शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब आप पिंपल को पॉपअप करते हो यानी फोड़ते हो तो सारी मवाद बाहर निकल जाती है, वही इन्फेक्शन है। तो आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है वो कैसे आप बाहर निकालें उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ नुस्खे के बारे में। ट्यूबे लगाने से आपको फायदा मिल जाएगा लेकिन जब तक आप अपने शरीर को अंदर से फिट नहीं करोगे तो ये समस्या दोबारा से आती जाएगी। नुस्खे के लिए आपको सिंपली करना ये है, आप दिन भर में जब भी मन करे हल्का गर्म पानी पिए। इससे होगा ये आपका पेट बिल्कुल अच्छे से साफ होगा, खून के अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब की सब बाहर निकल जाएंगी। और दिन भर में एक या दो लोटे तांबे के पानी का आपको जरूर पीना है। तांबे का पानी आपके शरीर के अंदर जितना भी इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है उसे खत्म करने में मदद करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तांबे का पानी। आपको पानी को रात को तांबे के बर्तन के अंदर भरकर रख देना है और सुबह उस पानी को पीना है। सबसे पहले उठते ही आपको ये पानी पीना, आपको ब्रश भी नहीं करनी और स्पाइसी फूड फास्ट फूड बिल्कुल भी ना खाएं। और आपको नुस्खा बिल्कुल बना बनाया मिल जाएगा, आपको सिंपली करना ये है आप पतंजलि स्टोर पर जाकर बोल दें दिव्य कायाकल्प वटी दे दें, वो 80 रुपए की एक छोटी सी डब्बी आती है जिसके अंदर 80 गोलियां हैं। आपको सुबह शाम एक एक गोली जरूर खानी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप 2-2 गोलियां खा सकते हो खाना खाने से आधे घंटे पहले। ये आपके शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालने में मदद करता है और आपके खून को बिल्कुल अच्छे से साफ करता है। अगर आपको पिंपल की दाग धब्बों की समस्या भी है वो भी एकमात्र इस नुस्खे के करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपको दूसरी चीज लेकर आनी पतंजलि स्टोर से करेला और आंवला सबरस की बोतल, वो भी 100-150 रुपए में आपको मिल जाएगी। आपको सिंपली करना ये है जब आप सुबह उठें एक गिलास पानी लें, आपको 20-30 ml इस सबरस की लेकर पानी के अंदर मिलानी है। मिलाने के बाद आप सुबह उठते ही इस पानी को पी जाएं और इस पानी के पीने के आधे घंटे बाद आपका जो भी मन करे आप खा पी सकते हो। दोस्तों आप कहोगे कि मैं दिव्य कायाकल्प वटी सुबह खाता हूँ शाम को खाता हूँ तो इस सवरस को कैसे पीऊँ? तो आप सिंपली ऐसा कर लें, आप सुबह सवरस पी लें और शाम को कायाकल्प वटी की गोलियाँ खा लें। दोनों नुस्खों को साथ साथ चलाएं, एक नुस्खा सुबह और एक शाम को। जब तक आपके खून के अंदर से गंदगी साफ नहीं होगी ये समस्या बार बार आएगी। अगर किसी आपके दोस्त के साथ ये समस्या दाद खाद खुजली की और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दाग हो गए हैं उनके शरीर पर और वो हटने का नाम नहीं ले रहे तो उनसे एक बार जाकर पूछना कि आपने ट्यूब लगाई थी आपको आराम मिला, वो कहेंगे ट्यूब लगाई आराम मिला लेकिन ट्यूब लगाते लगाते ऐसा हो गया है अब ट्यूब भी लगाता हूँ तो आराम नहीं होता। तो आप सिंपली इस नुस्खे को करें, आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी, गारंटेड कह रहा हूँ आपको। और ये दोनों ही नुस्खे बिल्कुल नेचुरल हैं, आप घर पर भी बना सकते हो लेकिन आपको बना बनाया कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का मार्केट से मिल जाता है तो आप वहाँ से ले लें। और हो सके दिन में एक बार नीम की दातुन जरूर करें, अपने दांतों को साफ करें। ऐसा करने से होगा ये आपका मुंह भी बिल्कुल साफ हो जाएगा और जो रस है नीम की दातुन का वो भी आप गटक जाएं। इतना करने से पिंपल दाग धब्बों की समस्या को ठीक करने में नीम की दातुन बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो मेरे दोस्त रोजाना नीम की दातुन से ब्रश करते हैं उनके साथ स्किन की कोई भी समस्या नहीं है। मैं आपको दुनिया भर की ट्यूबें बता सकता हूँ जिसके लगाने से आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी लेकिन मैं आपको ये दवाएं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आप अंदर से फिट नहीं होगे तो बाहर से फिट नहीं हो पाओगे। और आप सिंपली गोले के तेल की मसाज करें जहाँ पर आपके दाद खाज खुजली हो रही है। और दोस्तों आपको लास्ट में जाते जाते बता दूँ क्या नहीं करना।
बाहर का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि हम नॉनवेज खा सकते हैं। भाई अगर आप नॉनवेज खाओगे तो आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका शरीर पहले ही अंदर से कमज़ोर है और ये नॉनवेज खाने के बाद उसे पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो पच नहीं पाता, तो दाद खाद खुजली की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मसालेदार चीज़ें ना खाएं, नमक और मीठा कम कर दें या आप छोड़ दें। दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ें आप ना खाएं, क्योंकि ये पचने में समय लेती हैं और इसी कारण से ये समस्या बढ़ जाती है। और दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं, और वो पानी हल्का सा गर्म हो या गुनगुना हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, चाहे कितनी भी गर्मी हो। और दोस्तों आपको लास्ट में जाते जाते बता दूं, आप ये ना सोचें 10 दिन आपने दवा खाई कि मैं तो यार ठीक नहीं हो रहा। आप इतना सोचें ये समस्या आपकी कितनी ज़्यादा पुरानी है, तो थोड़ा सा ठीक होने में समय लेगी। मैं आपको कह सकता हूँ 2 दिन में ठीक कर लें, लेकिन इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। अगर ये समस्या छोटी होती तो आपकी समस्या मात्र 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती। जिसकी समस्या जितनी ज़्यादा पुरानी है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ठीक जरूर होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दो भाई, लाइक करने से मुझे खुशी मिलती है, पैसे नहीं मिलते। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो आप सभी के लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और मुझे अंदर से खुशी मिलती है अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो और लाइक करते हो। और दोस्तों मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे मेरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।